है लोया बेली जा रही है। ठीक यहाँ राधे ने एक कर ली है, ये देखो इस तरह से है। बनाया दादी है। बना नहीं पा रही है। ओहो दादी, आप टीचिंग दोगे क्या दादी को? हाँ दादी को तो ये भी नहीं बनाना आ रहा है, इतनी छोटी सी चीज नहीं बनानी आ रही दादी को। ओ भाई साहब, तो छत पे क्यों जा रहे हैं बताओ सबको? पानी पुदीना ले जाए क्योंकि हम पानी पूरी बना रहे हैं। पूरी बना रहे हो हैं? चलो देखते हैं भाई क्या क्या सामान लगेगा। हम देखते छत पे क्या क्या, हमारी छत पे क्या क्या और रखा है पानी पूरी के लिए। तो फिलहाल हम छत पे आ गए और मम्मी तोड़ेंगी, आज बनाने वाली हैं गोलगप्पे। क्या क्या लगेगा अभी? क्या ये क्या है मम्मी, क्या तोड़ रही है अभी? धनिया पत्ता है, तोड़। धनिया पत्ते तो गोलगप्पे में डालेंगे धनिया पत्ते। तो गैस पे इतना धनिया निकल चुका है और अभी इसमें से निकल रहे पुदीना। ये पुदीना निकलेगा इसमें से है। मेरी दादी का है, दादी बोई थी शादीपुर में है। शादीपुर से यहाँ लेकर आए हैं क्या? इसी में धनिया डाल दिया जाएगा। ये धनिया है देखो अब गाइस। तो गाइस इसमें भी कुछ धनिया और रखा, आप देख रहे हो ये धनिया इसमें भी और रखा है। तो चलिए इसमें से भी थोड़ा धनिया ले लेते हैं। अरे अभी फंस गया था मेरे, अभी टूट जाता ना पता चलता इसे। अच्छा देखो ये टमाटर हो रखा है, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना हमारा टमाटर कैसा लगा आपको। तो गाइस अभी मैं साइकिल चला रही हूँ। मम्मी ढेर सारा हो, एक दो टूट। मम्मी हाँ देखो दादी पर पत्ते खाती छोड़ देगा ना। हो सकता है फिर नहीं हो सकता है चीज। फ्रेंड्स देखो धनिया और पुदीना इकट्ठा कर लिया है। अब चलते हैं नीचे और बनाते हैं गोलगप्पे का पानी और मम्मी बनाएंगी गोलगप्पे। तो चले मम्मी। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all. तो फ्रेंड्स फिलहाल हमने ये धनिया और अदरक और इसमें थोड़ी सी खटाई डाली है और हरी मिर्ची डाली है चार पांच। अब इसको पीस लेते हैं मिक्सी में। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैंने जो अदरक वगैरह का जो पेस्ट धनिया का वो पीस लिया है और पानी में मिक्स कर दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। तो फिलहाल एक डाल दिया, एक और डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने इमली भिगो के रखी है जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल जो है जीरा पीस चुका है और मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और मैंने मेरे पास बूंदी पड़ी हुई थी, मैंने बूंदी डाल दी है इसमें। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प और नमक, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डालेंगे और हमारा पानी रेडी हो जाएगा। अभी मम्मी ने जो है सूजी ले ली है, वो लिए एक कप और उसको वो छान रही है ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत गंद वो निकल जाए। तो मम्मी छान रही है सूजी। तो यहाँ पे मम्मी ने सूजी है वो छान ली है। मम्मी सूजी तो लिए बारीक वाली लिए मोटी वाली लिए? मोटी वाली, मोटी वाली सूजी। तो कढ़ाई चढ़ चुकी है गैस पे, अब मम्मी ले रही है तेल। कितना तेल लेना मम्मी? दो तीन चम्मच। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब सानने के लिए इसको। हाँ, इसके ठीक करने के लिए। अच्छा क्या कहते हैं मोइन है ना, मोइन मोइन करने के लिए। तो यहाँ पे तेल जा रहा है। मम्मी तेल ना पानी ना उसमें पड़ करेगा नहीं, पानी है अभी। तो यहाँ तेल हो गया, हल्का सा गुनगुना करना है तेल को। हो गया होगा गुनगुना तो, क्योंकि तेज है ना बहुत गैस, नीचे तेज हो रखी है। तो तेल हो चुका है, अब फिलहाल लेके जाते हैं और इसको मोइन करते हैं है ना मम्मी। तो यहाँ मम्मी जा रही है मोइन करने है सूजी को गोलगप्पे बनाने के लिए। हल्का सा गुनगुना तेल लिया है। सोना गोलगप्पे अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लगते हैं, और लेडीज़ों को तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लेडीज़ हो? हाँ। आप तो गर्ल हो? हाँ हाँ, लेडीज़ मतलब गर्ल। थारा भाई चमन। थारा भाई जोगिंदर। ओ भाई साहब।
यहाँ मम्मी ने तेल ले लिया है। थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, धीरे धीरे बेटा, तेल बहुत गर्म है, पीछे रहो, पीछे रहो बेटा। वेरी गुड, देखो गुड गर्ल है ये। यहाँ मम्मी धीरे धीरे थोड़ा सा तेल डाल रही है और उसको मोइन कर रही है। They were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. और देखो किस तरीके से किया जा रहा है मोइन। और आद्या भी हेल्प कर रही दादी की, है तो ना? मुझे अच्छा लगता है ना काम करना। अच्छा। दादी के साथ या किसी के साथ? है। हाँ। कुछ कुछ बच्चों का नहीं पसंद होता कि किसी की हेल्प करो। हाँ। पर हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए ना? हाँ। ये देखो मेरे मार्क होंगे। हाँ। तो मोइन हो चुका है, अब ये लिया है गुनगुना पानी, है ना मम्मी? हाँ, फिर हम धोबी की तरह फेंकेंगे। फेंकेंगे? धोबी की तरह क्या फेंकेंगे? ये आटा जैसा। आटा जैसा? अच्छा, तो यहाँ मम्मी ने डाला थोड़ा सा पानी, गुनगुना पानी। आप देख सकते हो मम्मी कैसे गूंद रही है गाइस, इसी तरीके से आपको गूंदना है। राधे अब आप छोड़ो बेटा, अब दादी को दो मिनट, आप पहले दादी को करो तो एंड में करना, ठीक है? मैंने भी बनाया था। तो फिलहाल ये आटा जब गूंद जाएगा तो आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स ये किस तरीके से बना है। इसे धीरे धीरे पटकना भी है ना शायद? हाँ, पटकना। कैसे कैसे पटकना है? धोबी की तरह। धोबी की तरह? हाँ। इसे कपड़ा धोते हैं? हाँ। पहले सान लेते हैं। अच्छा, सानने के बाद पटकना है। तो सानने के बाद इसको फटका जाएगा। क्या कर रहे हो? काम। क्यों, कौन सा काम कर रहे हो? बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस मैन। चलो फिर चलते, चलो सर, हो गया आपका? अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स मम्मी इसको फटक रही है, देखो कैसे, मम्मी बताओ कैसे फटकना है। ये कितनी बार फटकना है मम्मी इसको? 10 बार। नहीं मम्मी बताएंगी? 17 बार। 17 बार? 10 बार करना है। है? 10 बार करना है, दादी उल्टा बोल रही है। अच्छा देखो इस तरीके से फटका जा रहा है, इसको फटकना जरूरी है। अगर आप फटकोगे नहीं तो वो जाएगा। क्या कह रहे हो? अगर आप पटकोगे नहीं तो वो चटक जाएगा। चटक पीछे हट जाओ, हटो, जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। मेरा आटा गुन गया है, देख लो, देख लो, गोलगप्पे का आटा हो गया है, रेडी हो गया। देख लो फ्रेंड, देख सकते हो आप किस तरीके से बना है। और मम्मी बना रही है लोइयां और फिर इसको बेलेंगे, है ना मम्मी? फ्रेंड अब जो है लोइयां बेली जा रही है, यहाँ राधा ने एक कर ली है, ये देखो इस तरह से बनानी है। हाँ, और दादी बना नहीं पा रही है। ओहो दादी, आप टीचिंग दोगे क्या दादी को? हाँ दादी को तो ये भी नहीं बनाना आ रहा, इतनी छोटी सी चीनी बनानी आ रही दादी को। ओ भाई साहब, तो हमारी आराध्या देखो कितनी सुंदर सुंदर बना रही है। आप देखो कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसा लग रहा है जो आराध्या बना रही है। मम्मी बेल चुकी है, ये देखो मेरा, और आपको उसके बाद सेक कर दिखाते हैं कैसे बने, ठीक है? हाँ देखते हैं। फ्रेंड यहाँ गोलगप्पे बन गए हैं और यहाँ मम्मी और बना रही हैं, तो आप देख सकते हो कैसा फूला हुआ है। तो मेरा गोलगप्पे अब पानी बन चुका है, देखो आप कैसा लगा है। हाँ। ये देखो गोलगप्पे हमने रेडीमेड वाले भी बना लिए और जो मम्मी ने बनाए थे वो भी है, और ये पानी है, तो सब कुछ रेडी हो गया है। चलो मम्मी खाने की तैयारी फिर तो। तो यहाँ गोलगप्पे खाए जा रहे हैं मम्मी द्वारा। ये यहाँ मम्मी भी खा रही हैं गोलगप्पे। ये कैसा लगा मम्मी? तो गोल पहला गोलगप्पा फूट चुका है। बढ़िया, मस्त। आज गोलगप्पे खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी। गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, देखते कौन जीतता है, दीदी जीतते हैं या सोना के बाबा जीतते हैं खाने में। आज कंपटीशन चल रहा है। दीदी आप कितने खाए? आपने कितने खाए? तो देखते कौन जीतता है फ्रेंड्स। एक और, तो यहाँ दीदी को पानी कम पड़ गया। पानी डाल डाल के
या मम्मी और सोना हेल्प कर रही है फोड़ने में। दही बल्ले ही बनाए? नहीं दही बल्ले, पहले गोलगप्पे तो खा लो। गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, दही बल्ले की डिमांड हो रही है। ये घर में बनाए गए हैं। ये वाले घर में बने हैं। मेरा तीसरा थर्ड दूसरा तीसरा खा लिया उन्होंने। ये कौन से हैं? बेसन के आटे के? ये चावल के होते हैं। मार्केट वाले चावल के होते हैं, और जो घर वाले होते हैं वो सूजी के आटे के होते हैं ना। थी बड़ा सुंदर। चार सोना जीत गई। पांच चार तीन तीन। ओ भाई साहब मुझे चार लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कम गोलगप्पे, यहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है गोलगप्पे का। अच्छा चार हो गए। पानी कैसा लग रहा है गोलगप्पे का? अच्छा लग रहा है। दो घंटे में हमने 20 खाने बड़े गोलगप्पे, तो बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। पांच सोना जीतेगी मुझे तो लग रहा है। निकाल लिया आपने पांच सोना की पांच सात आपके नौ दस। ओ भाई साहब इतना बड़ा कटोरा उतनी बड़ी उतने ज्यादा गोलगप्पे। You got it, dude. ये चाहती है कि मैं ही जीत गई हूँ। सोना बीरा अच्छा ठीक है, 29 है तो फिलहाल कॉम्पिटिशन बराबर में चल रहा है। कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, और सब बस खाने में मस्त है। फिलहाल इस पल को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाना क्या बना रही हूँ? तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।